ना देना क्या कर से दाना लट्टू वापस कर शर्ट जुल जुल ना फौजी अपना काम कर देखे बीबी आपके बेटे ने मेरे बेटे को कितना मारा है मार मार के नील डाल दिए हैं कितनी बुरी बात है छोटा सा ये है और इतने बड़े बच्चे को इसने मारा है नारो पुत्र नारो शाबाश फूजिया ना तू इसके मारिया क्यों मैं किसी दिन आज जाती हूँ ना देख सक रहा ४ अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कैंप अमल में आया और कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने आपकी सेहत काफी खराब थी मगर आप काम काम और सिर्फ काम की मुजस्सम तस्वीर थे और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे हमें भी पाकिस्तान की खिदमत इसी जज्बे से करनी चाहिए बड़े होकर क्या बनोगे फौजी बनूंगा जी Thank you.
अगर नहीं जा सकनी जब तक ये पता ना जाओ। पहले लड़की वाले जनाब अपना कुछ सुरमा सामने करो, जा चुका उसके पास थोड़ा बुला। चलो इंशाल्लाह सब तक। उत्तर लगाई ना कि बेटा चाह के ना पता लगाई ना। फूजे ने अब्बा तुसा कुछ सोचे? किस बारे? इन्नी जल्दी भुल गए हो, हुने ते गल कीती सी। और वो पलिए लोके, मैं अपनी फौज दी यादां च गुम होया सा, तू फिर वापस बुला के दा। वड्डे पुत्र नू भी फौजी बना दिता है, इस नू भी फौजी बना दियो, पर एदा कुछ सोचो ते सही। लो जद फौज च भेजना तो फिर और कोई सोच की हो? ना पर ब्याने बगैर बेजी माड़ी खैर है, हाले नहीं। पुत्र तू माशाल्लाह हुन जवान है, कदों कर से ब्याह? बेजी मैं परती होना चाहना। तू ब्याह करके परती हो जाना महफूज पुत्र। लो जी बेड़ी पाई के दीते आजादी केड़ी। ओ पापा ऐस दुनिया च कोई भी आजाद नहीं होना। एक गल है अब्बा जी। ओ क्या पुत्र? जे मैं भी चला गया ते तुसा नाल हाल कौन वासी? महफूज पुत्र फौजी मेहनत छुनी के बढ़ाने अल्लाह मालिक है, तू माड़ी परवाह न कर पुत्र, वो फौज होनी जवाना से। ये टोपी बहुत खूबसूरत है, मुझे ये घुमन बहुत अच्छा लगता है। क्यों पुत्र इनायत खुद से परती हो गया, पर दोस्तां की फिक्र ना कीती है? मां जी तुसा आखे ना हुन मैं जरूर कोशिश करता, जानदे इस वजारक वास साहब की दरखास्त करता। आज वादा वादा। अच्छा मैं वर्दी बदली कर दी है, बस ही पकड़नी है। अच्छा माँ जी सलाम अलैकुम। जी दे रहो पुत्र। ये किसने आखिया पुली ना? अला माँ जी हाँ
लो साहब मेरा काम खत्म, अब आप जाने आपका काम। महफूज के वालिद मेहरबान साहब पुराने संगी हैं मेरे बर्मा के, और वैसे भी महफूज जैसा जवान जो है उसको फौरन भर्ती कर लिया जाएगा। तुमने तो शाबा अपनी ड्यूटी पर पहुंचो। अच्छा जी, अच्छा चाचा अल्लाह दे वाला है। अल्लाह पुत्र नायत दुआ करी जरा। दुआओं ही दुआओं चाचा जी। अच्छा महफूज सुबह सवेरा अजीदा साहब ने दफ्तर ठीक 8 बजे पहुंच जाना। बहुत मेहरबानी यार है नायत। अच्छा सर नहीं है सोने से भी कीमती है, इसके सब्जादारों की खुशबू मुल्कों मुल्कों महकी है, इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर कंकर मर जान, मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान मैं हूँ सिपाही। वैसे तो फौज में ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, वर्दी खाना ये तो फौज देती है, अलबत्ता कंघी शीशा तेल साबुन और एतवार को पहनने के लिए कपड़े जो हैं ये अपने होते हैं। मेहरबान साहब ये क्या है? बस तो सारा मुंह मीठा करा रहे हैं। और भैया ये तकलीफ क्यों की है? हमारा मुंह तो सिर्फ छुट्टियों से मीठा होता है। क्यों छुट्टी नहीं मिलती फौज में? अजी छुट्टी तो मिलती है, लेकिन कभी कभार मिली हुई छुट्टी भी वापस हो जाती है जब दुश्मन से मुकाबला होने लगे। फौज तो होती दुश्मन से मुकाबले के लिए। इकबाल भाई महफूज का ख्याल रखना। भैया आप फिक्र ना करें, अब महफूज अपना ख्याल खुद रखेगा। अगर ट्रेनिंग में महफूज रहा था। बहुत सख्त होती है ट्रेनिंग, पर मैं संभाल लूंगा। ये तो वाप या जाने या राप या जाने। कल तुम्हारा मुकाबला बलकुश नाल। किसे? मारे नालू। ओ यारा नैत तुम तो बहुत अच्छे बॉक्सर हो, मगर ये एक बात है मेरा लिहाज ना करना। यारा गल इस रहे के तू की मारसना तो सिक्से किस रहे इस अगर सो को सक ना करू ना करने मुक्काबाजी कर सा। कैसे ऐसे? हाँ इस तरह। थर्ड एंड लास्ट राउंड। Oh,
वेरी हार्ड हिटिंग बाउट, वेल डन रेड, ब्लू इज द विनर। अपने बैटमैन बुला पांच दा नोट ले जा बाजारू को नवी जी कार लै गया। कहना मेरा साहब भी बेवकूफ ही ओनु चंगा भला पता भी है अज बाजार पाते फिर भी कहना जा कार लै। दूसरा साहब की कहना वो अपने बैटमैन बुला जा ना तो दफ्तर चेक कर गया मैं उसे बैठे हाँ कि नहीं जल्द दफ्तर जाना कहना मेरा साहब भी वो ज्यादा बेवकूफ है पर फोन तेरे कोल पे खुद फोन करके चेक कर ले तुसे बैठे सर मेरा नाम मोहम्मद महफूज है सेंटर से हैं यूनिट रिपोर्ट करने। अमीर कोई कण कानी राई हो सी 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 ठंडी ठंडी वा जुलनी ठंडी ठंडी वा जुलनी सजना वालों आई हो सी सजना वालों आई हो सी कोई कण कानी राई हो सी कोई कण इतनी खूबसूरत तस्वीर लगाई मेजर अजीज भट्टी साहब की क्या वाकई आपको इतने प्यारे लगते हैं। हाँ इनकी तस्वीर इधर है घर में है और हमारे दिल में भी है रब सबके नसीब ऐसे करे। आमीन।
कि आप जो भी करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे। आप शक मामू साहब के हाँ मेरा रिश्ता ले जाएं। अपनी बच्ची मकसूदा का रिश्ता मंगना है पुत्र मोहम्मद महफूज लिनाल जी। ठीक है जी, मैं अपनी बच्ची मकसूदा का रिश्ता तुमने पुत्र महफूज को फीस भी दिता है जी। दुआ है जी। बरकुदार मोहम्मद महफूज सलामत रहो। बाद सलाम दुआ के वाजिया हो कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मंगनी तुम्हारी मामूजात मकसूदा बीबी से परसों कर दी है। हम सब शगन लेकर गए थे, अल्लाह ने चाहा तो अगले साल तुम्हारी हमशीरा की शादी के बाद तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तुम कोमेला से कब वापस आ रहे हो जल्द लिखो ताकि शादी की तारीख तय कर दी जाए। मारूफ उधर स्कर्दू में है, इसे भी लिखा है कि वो भी छुट्टी लेकर आ जाए। तुम्हारी वालदा प्यार कह रही है, बहनें सलाम कहती हैं। बस सलाम तुम्हारा वालिद मेहरबान। क्या फूजिया जाना मजा आया कि नहीं? हाँ भाभी बहुत मजा आया। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मेरी भाभी चाय पीती तो नहीं पर बनाती लंगर से अच्छी है। अच्छा यार मैं जुड़िया सुन वास्ते रात बहुत हो गई है यारा महफूज तुहाड़े गल करनी गल है कि भेजी तुसा आप ही गल करो। पुत्र मारूफ तू तो बिल्कुल ही एवं ही है, इसकी क्या है ना पैसे भिजवाया करे, इसना ब्याह करना है। ओ बेजी इसकी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी होनी है ना ते इसने जरा दुधा शुदा ना खर्चा बहुत ज्यादा ना इस वास्ते ना। पर तू भी ते खर्चा भेजना है ना अपनी घरवाली नू। बेजी मैं को बक्सर ते ना ना इसने खाने पर खर्चा ज्यादा होना। लंगर च खाना नहीं लभना? लंगर च खाना लभना पर दुध घ्यो मखण ते नहीं लभना। बेजी तुसा फिक्र ना करो, मैं तुसा को इतने पैसे भेज सा कि ताड़े को संभाले ना जा सा। Thank you.
प्यारे अब्बा जी और प्यारी बेजी, अस्सलाम वालेकुम। अर्ज है कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह से नेगा मतलूब। अर्ज है कि आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं इंटर यूनिट रॉकी चैंपियनशिप में अव्वल आया हूँ। सीओ साहब ने बहुत शाबाश दी है, अब आगे इंटर यूनिट बॉक्सिंग मुकाबले होने हैं। दुआ करें इसमें भी 15 पंजाब 33 मोहम्मदी और अल्फा कंपनी का नाम ऊंचा करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि छुट्टी लेकर आऊँ, मगर मारूफ भाई सबको भी लिखें कि वो भी छुट्टी लेकर आए, फिर आपने जो बात लिखी थी वो पूरी हो सकेगी। बेजी को सलाम, तमाम रिश्तेदारों को सलाम और छोटों को प्यार। बस सलाम, आपका ताबेदार बेटा मोहम्मद महफूज। सुधो के थे उसकी बुला, उसकी भी सुनाखा बेजी उसका। Today's fifth bout, middleweight final. On my right, in the red corner, last night, Sher Ali, 33 blue. On my left, in the blue corner, Spy Mohammad Mahfooz, 15 Punjab. No!
मोहम्मद महफूज 6 मिनट 5 सेकंड 5 गोलियां महफूज आपको छुट्टी मिलेगी 2 दिन इतवार को शाम को आपने जून में रिपोर्ट करनी है। इतवार को शादी है साजी, मैं कैसे आ सकता? मिलेगी, बस मैंने आपको बता दिया ना, छुट्टी सिर्फ 2 दिन मिलेगी। अभी कुछ हालात खराब है, बाद में आपको छुट्टी मिल जाएगी। बात की है मैंने, छुट्टी सिर्फ 2 दिन मिलेगी। तो जाओ इतवार को बुलाओ। सारा इंतजाम हो गया ना? 40 मन मुर्गी मंगाई सी, अधी आज लग गई है, अधी कल लग जासी, पूरी हो जासी, तुसी फिकर ना करो। तो तुम मरूर से छुट्टी लेके नहीं आए, तो भी कल चला जुल सी। सब कुछ मैं किस तरह संभाल सी? फिकर ना करो अब्बा जी, सब ठीक हो जासी। माड़ी मजबूरी है, वरना पैन नहीं रुक सकती, सो पहले कदे ना जावा। ना पर पुत्र, एदे चंगी गल नहीं है ना, तू कल शामी चला जाए। जी लौर जाना, हालात ठीक नहीं, नहीं तो मैं परसों चला जावा। अच्छा पुत्र, तुसा नी मर्जी। फिकर ना करो बेजी, अल्लाह बेहतर कर सी। सुनिए जरा, क्या गल है, तुसे कल रुक सी सो पहले ही चले जासो? दिल ते नहीं चाहना पर मजबूरी। इतनी भी कैसी मजबूरी, अल्लाह खैर करे कुरैसा ने रुक सी सो पहले भी ना चले जाया जे। क्या आख्या ने? मैं आख्या अल्लाह खैर करे कुरैसा ने रुक सी सो पहले भी ना टूट जाया जे। रुकसियां भी अल्लाह की मर्जी नाल होनी है। सुने जरा, एक मिनट जरा बैठ जाओ। राती ना सुबह जागन तो पहले मैं एक ख्वाब तकिया है। पलिए लोग पुत्र तकिए हैं ख्वाब विच। शुक्र है। सोच ही क्यों पहनी, जल्दी दस में जाना है। मैं तकिया कि मैं खुले वेड़े विच एक बूटे हेठ बैठी हाँ। मारी चोली जिक सोना जा सेबिया, मैं उस नाल खेडनी हाँ। कितनी देरी जिक होर सेब उस तो भी सोना मारी चोली जा टेन है, मैं उसने नाल भी खेडनी हाँ। इतनी देरी जिक आवाज आनी है कि वेखनी हाँ कि एक साईं लोग खड़ा है, मैं उसने कोल जानी हाँ। बाबा फिर आवाज लानी, मैं 2 सेबाई चो ज्यादा सोना सेब उसकी देनी है। वो बाबा हंसना है ते दुआएं देना देना चला जाना है। ए तेरा खाबा महफूज ने बा आए, तुम कुर्सी पर के सया कर, दिल भी मुतमईन रहे ते खाब भी चंगे आने। Thank you.
चलो जनमैन बैठे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय अंकल। राइट जनमैन, जैसा कि आप जानते हैं 4 दिसंबर से पुल कंजरी पर दुश्मन का कब्जा चल रहा है और कल सीज फायर हो जाएगा। व्हाई आर यू लाफिंग कीकर सिंह? सॉरी सर, वो पुल कंजरी पर मुझे महाराजा रणजीत सिंह याद आ गए थे। सरदार जी, अगर आपको कोई बीबी ये कहे कि नाला पार करते हुए पांचे गीले हो जाते हैं तो आप इसके लिए पुल बना देंगे ना? फिर तो उसका नाम पुल किकरी पड़ जाएगा सर। राइट जेंटलमैन, बी सीरियस, ये क्रिटिकल मूव है। कल शाम सीज फायर होते ही पुल कंजरी पर हमारा कब्जा हो जाना चाहिए। हमारा एडवांस 0200 आवर्स पर शुरू होगा। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें दुश्मन बीआरबी तक टफ टाइम नहीं दे सकता क्योंकि सीज फायर हो चुका होगा। हमारे ब्रिगेड का एडवांस बहुत खामोशी से होगा, वेरी साइलेंटली। हाँ, आर्टिलरी के एक दो राउंड गिरते रहेंगे ताकि दुश्मन एट ईज रहे। प्लान तो अच्छा है सर, मुस्लिम भी सीज फायर पर रिलैक्स कर जाएंगे। एंड इन एनी केस जेंटलमैन, नेवर अंडरएस्टिमेट योर एनिमी। आर्टिलरी विल रिमेन ऑन कॉल और अगर जरूरत पड़ी तो हमें इंटेंसिव फायर मिल सकता है। आई रिपीट, अगर जरूरत पड़ी तो इंटेंसिव फायर मिल सकता है। किकर सिंह, हमें अपने गांव पुलकंजरी को आजाद कराना है और उसके बाद बीआरबी तक दुश्मन के इलाके पर कब्जा भी करना है। हमारी हाई कमांड बार्गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूव को बहुत अहम समझती है एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट आवर हाई कमांड। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सो जेंटलमैन, बीआरबी इज आवर ऑब्जेक्टिव। बेस्ट ऑफ लक। भूख बिल्कुल मर गई है मेजर नियामत सर। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कैप्टन फुलम। वेट, हाउ हार्ड? ना दो खान पड़े सर तो खाना भी जहर लगता है। वो कहते हैं ना, खाना जहर मार करना। चलो जहर सही, कहीं हम बाजी हार ना जाए सर। फजल, दिल नहीं हारना, हमें दुश्मन से हिसाब चुकाना है। सर, बाहर के दुश्मनों से तो हम हिसाब कर सकते हैं मगर अंदर के दुश्मन ये तो। सॉरी सर। चलो सर। फजल मोहित, आई एम वेटिंग। कमिंग सर। हेलो 41 for 43, बैटरी टारगेट ओवर। 43 बैटरी टारगेट आउट। कनकानी राई पे गई, कनकानी राई पे गई, बिछड़िया दो घड़िया। अल्लाह खैर करे, कुरे आसानी रुक सी सो पहले ना चले जाए। उम्र जुदाई पे गई। क्या सोच रहे हो महफूज? हैं? कुछ नहीं यार, ऐसे ही जरा घर वालों से बातें कर रहा था। घर वालों से या होने वाली घरवाली से? चल यार मजाक ना कर। यार ये आफत शेर रसूल साहब ने कोई नई पेशीनगोई की है? उसकी छोड़ यार, मुझे लगता है पेंट की तरह दुश्मन सीज फायर के बाद फिर हमला करेगा। और तुम भी आफत हो गए हो। अच्छा मैं अब सो रहा हूँ। सो जाओ, मैं तो अब जागूंगा। क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। वो ज़िया मोहिद्दीन शो आ रहा था, ज़िया मोहिद्दीन ने एक लतीफा सुनाया, उस पे कोई भी नहीं हंसा। तो ज़िया मोहिद्दीन ने कहा, यूं तो अक्सर मेरे लतीफे फ्लैट हो जाते हैं लेकिन जितना ये लतीफा आज फ्लैट हुआ है इतना आज तक कोई नहीं हुआ, और इस पे पूरा हाल जो है वो हंस पड़ता है। फॉर गॉड सेक यार, कम ऑन, चीयर अप।
I wish I could go and leave. Sure, sure. Why not? As soon as the emergency is lifted, you can go and leave. Beg your leave, sir. Good night. ये जंग कभी खत्म नहीं होगी, हम हमेशा इमरजेंसी में रहेंगे। कैप्टन फैजल इज राइट, वेरी राइट। इंडिया ने हमें अपना मुस्तकिल दुश्मन बना लिया है। इस्लाम अमन का दीन है सर, सलामती का। मोमिन दुश्मन के थप्पड़ का जवाब देता है, पहले समझाकर और अगर दुश्मन जिद करे तो जवाबी थप्पड़ मारकर। हेलो इजाज़ साहब, बीएम बोल रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन ने इलाका पुलकंजरी पे हमला किया है और गांव में दाखिल हो गया है। व्हाट सर? सीज फायर के बाद तुम्हारी दो कंपनियां काउंटर अटैक करेंगी। तुम्हें बाकी तफसील कर्नल इकबाल सीओ 43 पंजाब इलाका ट्यूबवेल में बताएंगे। आपको समझ आ गई है? सर सर राइट सर, सर मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बीएम का फोन था सर। सर वागापुर का इमरजेंसी है सर, हमें दो कंपनियां भेजने का हुक्म मिला है 43 पंजाब की इन्फोर्समेंट के लिए सर। ओके सीओ कंफर्म कर दो। राइट सर। रात ऊपर एडवांस रुक वहां फुल। अस्सलाम वालेकुम सर। कार जी सर, कर्नल साहब बुला रहे। मैं कमेंट साहब। यस इजाज़ शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द ब्रिगेड हेडक्वार्टर से टेलीफोन आया सर, 43 पंजाब को रीइंफोर्स करने के लिए दो कंपनियों का हुक्म मिला सर। एनी डिटेल्स? सर सीओ 43 पंजाब का इकबाल एरिया ट्यूबवेल में ब्रीफिंग देंगे सर। सर आई थिंक वाघा बॉर्डर पे कोई इमरजेंसी है सर। फजल मुईद की अल्फा और शेख इब्राहिम की डेल्टा कंपनियों को तैयारी का हुक्म दे दो सर, और जब कंपनियां फॉलो हो जाएं देन आई वुड लाइक टू टॉक टू देम। राइट। और हां मेजर नियामत से भी कह दो कि वो भी जाएंगे। राइट। वालेकुम अस्सलाम। हरदल अजीज जवानों, 15 पंजाब 33 मोहम्मदी की तारीख इंतहाई शानदार है। इस यूनिट ने हर महाज पर चाहे खेल हो या जंग, पहली जंग अजीम से लेकर 1965 की जंग तक बहादुरी के शानदार कारनामे सर अंजाम दिए हैं। किंग और क्वीन ने आपकी बहादुरी, फर्शनासी और कुर्बानियों की तारीफ की है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कर्नल सिरिल ली एनन एक ईसाई हूं और किंग और क्वीन की तारीफ कर रहा हूं। दरअसल आप हैं ही बहादुर और बहादुर की हर कोई तारीफ करता है, हत्ता के दुश्मन भी। शर्त सिर्फ ये है कि आप बहादुर भी हो और शरीफ भी। तुम बहादुर हो, शरीफ हो, शहीद होते हो या गाजी, तुम दुश्मन की इज्जत की भी हिफाजत करते हो। अल्फा और डेल्टा कंपनी के बहादुरों, 15 पंजाब
33 मोहम्मदी की आबरू तुम्हारे हाथ में है। जो भी हुक्म मिले दिल से कबूल करना, दलेरी से लड़ना और फतह पर यकीन रखना। खुदा आपका हामी और नासिर हो। नियामत, मिशन क्या है? पुलकंजरी का मसला है, कल इकबाल मीटिंग देंगे तो पता चलेगा सर। ऑल राइट, खुदा हाफिज एंड कीप मी इन पिक्चर। राइट सर। कैप्टन फजल मोहित, लेट्स मूव। सर। अल्फा कंपनी दाएं फिर चले ट्रकों की तरफ। मैं क्या हूं, क्या मेरी हकीकत है? वतन का है मेरी मंजिल शहादत है। मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान। करते हैं बयान, मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं हूँ सिपाही। रसूल साहब क्या हो सी? कुछ नहीं होगा यार, सीज फायर हो चुकी है, तुम घबराओ नहीं। तो मैं घबरा नहीं रहा, तुम बॉम्ब मशीन को ही करने हो ना, उसका पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा यार, हम वैसे वापस आ जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। आप जी अकल आखनी है, सीज फायर के बाद अगर हम टेक पर जा रहे हैं तो जरूर कोई गड़बड़ है। महफूज, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हेलो 17 मैसेज ओवर। 17 मैंने 30 तलारा गांव की पिछली तरफ से दुश्मन की एक कानवाई आते हुए देखी है। राजा सोफर ओवर।
Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Niamat. I was anxiously waiting for you. Baki log aa gaye? Sir, everybody's here, sir. Wonderful. I'm Wade. Good to see you. Yes, sir. Ibrahim, kya hal hai? Kal shaam tak pulkanjri hamare paas tha, magar dushman ne infiltrate karke gaon ke kuch hisse par kabza kar liya hai. Hamari 43 Punjab ki kuch sipa abhi tak gaon mein maujood hai, lekin hamara unse rabta munqata ho chuka hai. Mere khayal mein dushman ki ek platoon ki nafri gaon mein maujood hai aur अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है अगर दुश्मन यहां पे कंसोलिडेट कर गया सो आफ्टर हैविंग सिक्योर्ड हिज बेस दुश्मन आगे भी कार्रवाई कर सकता है दुश्मन की हालत को देखते हुए एक कंपनी का हमला काफी होगा इब्राहिम आई लाइक यू टू अटैक मोईद तुम रिजर्व में रहो मगर सीज फायर तो हो चुका है सर मोईद इफ यू रिकलेक्ट हिस्ट्री 65 में भी इंडियंस ने सीज फायर के बाद अटैक किया और पुलकंजरी पे भी उन्होंने सीज फायर के बाद अटैक किया है सो वी आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड लेकिन सर इन कंपनीज ने रखी नहीं की हुई है डोंट वरी दे विल गेट द गाइड्स एनी ऑब्स्टिकल सर इब्राहिम देयर इज नो वर्थवाइल ऑब्स्टिकल इन द एरिया कुछ खड्डे वगैरह हैं उनको देख लेना सर लेट मी एक्सप्लेन इट यू ऑन द मैप ऑल्सो हम यहां पे हैं ये पुलकंजरी गांव है सर देयर इज ओनली वन ट्रैक दैट लीड्स फ्रॉम हियर टू पुलकंजरी विलेज इसी ट्रैक पे रास्ते में पुलकंजरी पोस्ट भी है मैं आपको यहीं मिलूंगा एंड यहां से यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्टिव सर ये आपके लिए एफयूबी का इलाका है एंड योर कंपनी विल बी अटैकिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन एनी क्वेश्चंस इब्राहिम नो सर राइट सी एट पुलकंजरी पोस्ट देन सर All right, come. वन सेवन अब ट्रकों की लाइटें बुझ गई हैं आउट कम इन बैठो यस सर मैं अब कुछ नजर नहीं आ रहा सर आई थिंक दे आर काउंटर अटैकिंग फिर आन दो सर They are fools. They are not fools, sir. What? We will butcher them. Sir, ceasefire ho gaya. Isiliye to keh raha hu. Wo bahut badi bewakoofi kar rahe hain counter attack karke. Sir, attack to un par humne kiya hai. Unke aadmi bhi humne capture kar liye hain aur artillery fire bhi hum hi karwa rahe hain. You are a Sikh lieutenant, but don't behave like a Sikh. Humne apna gaon wapas kabze mein le liya hai. Aur wo is par counter attack karke dobara kabza karna chahte hain. Should we hand it over to them on a plate? Oh, no, sir. I don't mean that. Sir, मैं तो world opinion की बात कर रहा था. UNO वाले इस पे शोर मचा सकते हैं. World opinion, my foot. UNO? We have not budged an inch on Kashmir, despite world opinion. So, वो पाकिस्तानी ऑफिसर का क्या हुआ? मेरा ख्याल है वो किसी घर में छुपे हुए हैं. सर छोरा सर, I have inquired. His name is Captain Rizvi, sir. उसको तलाश करो. Sir, and let the counter attack come. Right, sir. I hope the artillery is ready to destroy them. Sir, once they come, butcher them. Right, sir. Sir, हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है. Sir, गांव में दाखिल होने का एक ही रास्ता है. उसे 200 गज आगे एक कुदरती डिच है. Sir, बंकर हमने तैयार कर लिए हैं. एक बावली में घरों की छतों पर भी आदमी डिप्लॉय कर दो. कर दिया है, sir. Good. You know, I feel sorry for them, fools. Thank you.
चलो आगे देखते हैं। Think so they're here. Coming, sir. Father Mohit, you? Sir, Delta company kidhar hai? Sir, as per the plan, we pehle chale the. Agar aap se pehle chale the, to gaye kidhar? Pata nahi, sir. Guide hame theda talara chhod kar wapas se lage the. Oh, no. Sawa chaar baj chuke hain. Mohit, sir. I like you to attack now. Sir. Maine tumhe brief to kar diya hua hai. Sir. All right, I'll go over it again. Ye jo samne wala gaon hai, ye Phulkanjri hai. इस गांव से सिर्फ एक ही रास्ता गुजरता है एंड आई एम प्रीटी श्योर दुश्मन ने वो रास्ता पकड़ा हुआ होगा। आई जस्ट लाइक यू टू गो एंड ऑक्यूपाई द विलेज सर एंड व्हेन यू गेट देयर कैप्टन रिजवी और उसके बंदों से मिलाप करो एंड टेल मी अबाउट देम एनी क्वेश्चंस। सर कोई माइंस वगैरह? मेरा ख्याल है माइंस का दुश्मन को वक्त नहीं मिला होगा बट इवन इफ दे आर देयर जस्ट गो थ्रू देम। ऑलराइट बेस्ट ऑफ लक मोहित आई होप टू सी यू सून। सर Coming, sir. Battery target! Explode! IK, I'm 5-0, start first! Number 4, no! Number 5, start! Hello, all stations, Bismillah. शाम इब्राहिम सर आप कहाँ निकल गए थे? हमें गाइड नहीं मिले, हम आगे निकल गए थे। ओके, अल्फा कमी अब अटैक में जा चुकी है सर। यू विल बी इन रिजर्व नाउ सर। Thank you.
لله ولا إله راجعون अच्छा हाफिज जी अल्लाह बिल यार وصلوا बहुत तंग कर रही है महफूज क्या करें इसका इसकी फिक्र ना करो साहब मैं इसकी वेख ले सब Thank you.
भूत, तुम जख्मी हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ। यही तो मौका है साहब। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बॉक्सर हूं। मैं हूँ सिपाही,
धरती का नाम है जिसका पाकिस्तान, इसकी आन और शान तो देखो, इसकी आन और शान तो देखो। दुश्मन भी करते हैं बयान, मैं हूँ सिपाही। नहीं है सोने से भी कीमती है, इसके सब्जादारों की खुशबू मुल्कों मुल्कों महकी है, इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर जर्रा है मोती, इसका हर कंकर मरजान, मैं हूँ सिपाही। अमानत मैं हूँ इस धरती का अमीर, मेरे वतन की जमीन पर दुश्मन अपना कदम रख सकता नहीं, जान तो एक दिन जानी है, जान तो एक दिन जानी है, फिर क्यों ना मैं हो जाऊं कुर्बान, मैं हूँ सिपाही उस धरती का, जिसका पाकिस्तान, इसकी आन और शान तो देखो, इसकी आन और शान तो देखो। दुश्मन भी करते हैं बयान, मैं हूँ सिपाही उस धरती का, नाम है जिसका पाकिस्तान, पाकिस्तान, मैं हूँ सिपाही।